डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लीडर हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी टॉप लीडर हैं या जितने भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, आज अगर आप मेरी बात का जवाब दे दें तो मैं 100% मान जाऊंगा कि हाँ, आप डायरेक्ट सेलिंग के वाकई में एक बेहतरीन और एक अच्छे लीडर हैं और ईमानदार लीडर हैं। दोस्तों, मेरा नाम अफान खान है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। वैसे तो मैं ज़्यादातर बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ही करता हूँ, लेकिन वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे, सही से बातों को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वाकई में बातें बहुत सच हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले कई साल से नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लीडर हैं कहते हैं कि देखिए भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एक मैसेज होता है, प्रोडक्ट योर मैसेज, यानी कि जो हम करते हैं वैसा ही वो मैसेज एक बार डल जाता है और वैसा ही पीछे के डाउनलाइन करते रहते हैं। लेकिन एक नाम बहुत बड़ा है, आपने सुना भी होगा और आप उसको देखते भी हैं यूट्यूब पे, बहुत सक्सेसफुल वो इंसान आज की तारीख में है। जब से उसने इस इंडस्ट्री का मैसेज खराब कर दिया है, ये सभी लोगों के लिए दोस्तों, ये सभी लोगों के लिए, अगर हो सके तो वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, शेयर करें। देखिए, जब से एक टॉप लीडर ने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैसेज खराब कर दिया है, तब से ये सिलसिला आम हो गया भाई। सही मायने में अगर बात करूँ तो आपको लगेगा कि सर नेगेटिव बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आज नेगेटिव ही बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है, सच्चाई से वाकिफ नहीं है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग आज डायरेक्ट सेलिंग नहीं रही है, लोगों ने धंधा बना लिया है। धंधा क्या बना लिया? आजकल जैसे मार्केट में क्रय विक्रय हो रहा है, यानी खरीदना बेचना हो रहा है, सेम डायरेक्ट सेलिंग में लोग वैसा ही करने लगे हैं। मेहनत कोई कर रहा है और उसका फल कोई और ले रहा है। आज मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, कि जो व्यक्ति पिछले कई साल से मेहनत कर रहा है, उसने टीम बनाई, आज उसके पास में 100 लोगों की, 200 लोगों की, 250, 300, 1000, 2000 लोगों की टीम है, उसके पास में एक नेटवर्क है और वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, तो हो क्या रहा है कि दूसरी कंपनी का व्यक्ति उस नेटवर्कर के पास में आ रहा है और उसको अपनी कंपनी का प्लान दे रहा है, अपनी कंपनी को बेस्ट बता रहा है। और ये तो चलो ठीक है, तो आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इंसान किसी को भी अपना प्लान शेयर कर सकता है, बता सकता है, लेकिन साथ साथ में वो उस लीडर की बोली लगा रहा है। बोली क्या लगा रहा? बोल रहा है कि भाई, अगर आप हमारे साथ में, अपने पूरे नेटवर्क के साथ, पूरी टीम के साथ अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं आपकी आईडी टॉप पे लगा दूंगा, यानी कि कंपनी के ऊपर टॉप पे आईडी लगा दूंगा और आपको पावर लैग दूंगा, यानी कि एक उसको पावर लैग दे रहा है और उसकी आईडी टॉप पे लगा रहा है और साथ ही साथ उसको पैसे का लालच भी दे रहा है, यानी कि उसको 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख उसकी टीम के अकॉर्डिंग, उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सिलसिला है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? समझदार के लिए सारा काफ़ी है, आप समझ गए होंगे ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ है। उस इंसान से, उस जगह से स्टार्ट हुआ जो कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे काम करता था और उसके पास में बहुत बड़ा नेटवर्क था, लोग उसको देख के मोटिवेट होते थे, उसकी बातों से लोग आकर्षित होते थे, वहाँ से ये सिलसिला आम हो गया है। देखिए, अब वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़े बड़े लीडर बिकने लगे हैं। अब सबसे बड़ी गलत बात तो ये है कि जो इंसान ने पैसा लिया है और अपनी टीम का सौदा कर लिया है, अभी तक वो अपनी टीम को बेहतर बता रहा था, अपनी टीम के साथ में काम कर रहा था, अपनी कंपनी को बेस्ट बता रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन अब वो पैसा लेके, पावर लैग लेके दूसरी कंपनी में चला गया। अब मुझे बताइए कि उसके नीचे जो नेटवर्क था, उसके नीचे जो टीम थी, उन लोगों के फ्यूचर का क्या होगा? उनको तो कोई पैसा मिला नहीं है, ना ही उनको पैसा मिला है, ना ही उनको पावर लैग मिली है, ना ही कुछ मिला है, उन लोगों के फ्यूचर का क्या होगा? यानी कि उस हरामखोर लीडर ने, उस बड़े लीडर ने उस टीम का सौदा कर लिया और वो दूसरी टीम में, दूसरी कंपनी में चला गया, पैसा भी ले लिया, पावर लैग भी ले ली और क्या कहते हैं, टॉप आईडी भी लगवा ली। अब मुझे बताइए, चलो एक गलत बात तो ये हुई और दूसरी बात ये हुई कि जो व्यक्ति उसको पैसा दिया, वो अपनी कंपनी में लेकर आया, अब उसने क्या करा, उसकी आईडी टॉप पे लगवा दी, पावर लैग भी दे दी और टॉप पे भी आईडी लगवा दी। अब उस कंपनी के जो लीडर थे, जो लोग काम कर रहे होंगे,
अभी बताइए उनके दिल पे क्या बीतेगी। यानी कि वो सालों से मेहनत कर रहे थे, एक दूसरी कंपनी का लीडर आता है, पैसा भी लेता, पावर लैग भी लेता, और वो उनके ऊपर आन के बैठ जाता है। यानी कि वो फिर उसके डाउनलाइन बन जाते हैं। कितनी घटिया बात है। मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अगर किसी दूसरी कंपनी के लीडर से पैसा ले लेता हूँ, 10-20 लाख रुपए ले लेता हूँ, मेरे पास में 1000 लोगों की टीम है, तो मैं दूसरी कंपनी में जाऊँगा तो ऊपर अपनी आईडी लगवाऊंगा, तो जिनके ऊपर आईडी लगवाऊंगा जो लोग मेहनत कर रहे थे सालों से, फिर मेरे डाउनलाइन हो जाएंगे, जो पावर लैग मिलेगी तो मेरे डाउनलाइन हो जाएंगे। यानी कि वो मेहनत कर रहे थे, उन पर राज मैं करना स्टार्ट कर दिया। कितनी घटिया और कितनी गंदी बात है, और ये कड़वा सच है। डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे लीडर इसको बताने से कतराएंगे। आज मैं आपको बता दूं, यही हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। एकदम लोगों ने कचरा बना के रख रखा है भाई। ये भाई इसको बंद कर दीजिए। ये इस तरह से अगर आप सब लोग करेंगे तो फिर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आप जान सकते हो क्या होगा। एक इंसान आ रहा है, और दूसरी बात ये, जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो आज भी और कल भी और पिछले कई समय से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर मेरे घर पे भी आए, गाड़ी लेकर आए, बड़ा बड़ा लालच दिए, 10 लाख 5 लाख का लालच दिए, अभी भी लालच दे रहे हैं, पावर लैग का लालच दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सर आप हमारी कंपनी के अंदर आ जाइए, हम आपको 10 लाख रुपये देंगे और एक पावर लैग देंगे, और आपकी जो आईडी कंपनी की टॉप आईडी पे लगाएंगे, यानी कि कंपनी से डायरेक्ट आपकी आईडी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा नहीं किया, और आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अगर सब लोग ऐसा ही करते रहे तो फिर ये बताइए कि फिर तो वही हो गया, धंधा हो गया ना। आजकल नेटवर्कर की बोली लग रही है, डायरेक्ट सेलर की बोली लग रही है। आज किसी के पास में 1000 लोगों का नेटवर्क है, 100 लोगों का नेटवर्क है, कोई दूसरी कंपनी का लीडर आता है, उसको खरीद लेता है और अपनी कंपनी के अंदर लेके चला जाता है। आज यही हो रहा है, अदला बदली हो रही है। तो जितने भी टॉप लीडर हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा बड़े बड़े लीडर तो देखेंगे नहीं भाई, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे लीडर अगर वहाँ तक पहुँचाएँ और इस बात का जवाब उनसे लें, तो वो लोग आज मेरी बात का जवाब दे दें, क्या ये आप सही कर रहे हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में लिखा जाएगा कि हाँ भाई डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की बोली लगने लगी है, कि यह तरीका सही है। तो दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेचारे जो नए लोग हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग है, नए लोग, उनका क्या होगा, वो तो इधर ही है। अभी मान लीजिए मैं इस कंपनी में काम कर रहा, धड़ाक भाई ये डायमंड बनना है, पैसा कमाना है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, बेस्ट है डायरेक्ट सेलिंग में, अभी कुछ दिन के बाद मैं दूसरी कंपनी की तारीफ करने लगूंगा, भाई ये कब तक चलेगा। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो सभी लोग मेरी बात का जवाब दें कि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, अदला बदली चल रही है, अगर यही चलता रहा तो कब तक चलेगा, और क्या ये तरीका सही है। अगर सही है तो करते रहिए, वरना मुझे बताइए, जवाब दीजिए कि भाई ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोग हो सके तो शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, और जवाब मांगना चाहता हूं मैं उन लोगों से जो लोग अपने आप को तुरमखा समझते हैं, जो अपने आप को तोप समझते हैं, और सब अंदर से क्या है वो खुद जानते हैं भाई। आज मैं यही देख रहा हूं भाई, जुम्मा 8 दिन होते हैं और उसका लाखों का चेक बन रहा, कैसे बन रहा भाई। बड़ी कंपनी का लीडर है, मान लीजिए आया, दूसरी कंपनी में आईडी सेट कराई और टॉप आईडी सेट कराई और आराम से राज कर रहा है, और यही हो रहा है। आज बहुत सारे लोग कॉल करके बोलते हैं, मैसेज करते हैं, मुझसे मिलने भी आते हैं, बताते भी हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, 4 दिन पहले की बात है, पता चला कि एक बहुत बड़ा लीडर था दूसरी कंपनी का, वो कंपनी के डायरेक्टर के पास में गया और बोला कि मैं इस कंपनी का बहुत बड़ा लीडर हूँ, 7 साल से काम कर रहा हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास में 1000 लोगों का 2000 लोगों का नेटवर्क है, अब मैं आपकी कंपनी के साथ में आना चाहता हूँ, ज्वाइन होना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे क्या देंगे। यानी कि खुद भी लोग बोली लगवा रहे हैं, जा रहे हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर को लगा भाई आप एक तगड़ा लीडर मिल रहा है। तो उसने क्या किया भाई, बोला मैं तुमको पावर लैग दे दूंगा और आपको इतने लाख रुपए दे दूंगा, आप अपने पूरे नेटवर्क के साथ हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। उसने कंपनी ज्वाइन कर ली और उसकी आईडी टॉप पे लगा दी, उसको पावर लैग दे दी, और लेकिन जो उस कंपनी के अंदर सालों से मेहनत कर रहे थे बेचारे डाउनलाइन बन गए, वो लोग उसको गाली दे रहे थे, और यही हो रहा भाई। मुझे बताइए अगर ये तरीका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, अगर तरीका गलत है तो इस चीज़ को, इस मैसेज को बंद करना पड़ेगा, और डायरेक्ट सेलिंग में भी जो गाइडलाइंस है और जो तरीका है उसको भी लागू करना पड़ेगा भाई। कि कोई भी नेटवर्कर अगर काम कर रहा है तो किसी दूसरी कंपनी के अंदर जो है वो अपनी टॉप पे आईडी नहीं लगाएगा। अगर जाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगा। अगर कोई इंसान, कोई बड़ा लीडर भी अगर किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाना चाहता है तो वो अपनी आईडी नीचे लगाए भाई, कि दूसरे डाउनलाइन के ऊपर क्यों राज करना चाह रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो डाउनलाइन बन गया है। तो अगर जाना चाहता है तो जीरो से स्टार्ट करे, मेहनत करे और बने भाई। आज यही हो रहा है भाई, लोगों की बोलियां लग रही हैं।
तो ये बोली लगाना बंद कीजिए, और तरीका अगर मान लीजिए गलत है तो इसको तुरंत वहीं बंद कर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, बताइए उन लोगों को भाई तरीका गलत है, ऐसा नहीं चलने वाला। ऑल द बेस्ट।